फ्रेंड्स टुडे वी विल टॉक अबाउट द एज ऑफ रिवाइवल कल हमने एज ऑफ रिवाइवल शुरू कर दिया था आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल में हमने पढ़ा था हेनरी सेवन और अब हम कर रहे हैं हेनरी एट हमने स्टार्ट कर दिया था हेनरी एट की फर्स्ट वाइफ थी कैथरीन क्वीन ऑफ आर्गन क्वीन ऑफ आर्गन जिन्होंने ब्लडी मैरी को जन्म दिया था ओके और हेनरी को बेटा चाहिए था उन्होंने फिर से शादी करी हेनरी एट अगेन मैरिड एंगोलिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड प्रोड्यूस डॉटर विच वाज लेटर बिकेम द वर्जिन क्वीन एलिजबेथ उसके बाद में वर्जिन क्वीन एलिजबेथ हुई किससे किसने उनको जन्म दिया एंगोलिन ओके द नेक्स्ट इज हेनरी एट ने एंगोलिन को uh, मरवा दिया यह कहकर कि उसमें आत्मा आ जाती थी ओके okay? तो उन्होंने उसको मरवा दिया अब थर्ड वाइफ की बात करते हैं हम जीन सरमोर वाइफ जीन सरमोर प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट सन प्रिंस एडवर्ड को जन्म दिया था फाइनली एबल टू गिव हेनरी हेनरी ए सन प्रिंस एडवर्ड, ओके डाइड इन 1547 एंड ही वाज एबल टू प्रोड्यूस थ्री चिल्ड्रन उनके तीन बच्चे हुए थे कौन कौन ब्लडी मैरी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बनी थी वो इलेजबेथ और एडवर्ड एडवर्ड सिक्स एडवर्ड

मैंने पहले हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी वीडियोस में कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो टाइप की चर्च शुरू हो चुकी थी वहाँ पे तो ही वाज़ ए प्रोटेस्टेंट रूलर कैथरीन कैथोलिक थी बाकी एनवोलिन एंड एन सरमोर प्रोटेस्टेंट थी ही इंट्रोड्यूस द बुक ऑफ प्रेयर टू इंग्लिश पीपल एडवर्ड सिक्स ने इंट्रोड्यूस करी थी कौन सी बुक ऑफ प्रेयर टू इंग्लिश पीपल के लिए उन्होंने ये बुक इंट्रोड्यूस करी थी अब हम बात करेंगे मैरी वन की मैं ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं जो नोट्स दे रही हूँ वो शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर फुली नोट्स चाहिए बिल्कुल फुली नोट्स चाहिए तो फुली भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ दे दी जाएगी ठीक है तो आप अपने कमेंट लिख सकते हैं उसके बाद में मेरी टीम आपको ये दे देगी मैरी वन मैरी वन कैथोलिक थी जैसे मैंने आपको बताया ही रूल्ड फ्रॉम 1553 टू 1558 फाइव ईयर्स

ओके सो मच ब्लड शेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग फाइव इयर्स इन पांच सालों में बहुत ज्यादा वहां पे ब्लड शेड हुआ था उनके टाइम पीरियड में ओके उसके बाद में आती है इलेजेथ जो हेनरी की थर्ड तीसरी बच्ची है एलिजथ वन एलिजेथ वन फिफ्टी फिफ्टी एट टू सिक्सटीन जीरो थ्री फिफ्टीन फिफ्टी एट टू सिक्स जीरो गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है इसको शी अलाउ बोथ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक टू लिव शी अलाउ बोथ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक टू लिव टू अब बहुत बार नेट में पूछा जाता है विच इज द गोल्डन एज पीरियड इन इंग्लैंड तो यू हैव टू से दैट जीरो थ्री इज द गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्डन एज पीरियड ऑफ इंग्लैंड ओके द नेक्स्ट इज फोर्टीन एलिजाबेथ के टाइम पे 1492 में वॉयस शुरू हुई थी कोलंबस स्पेन डिस्कवर्ड अमेरिका कोलंबस जो स्पेन के थे उन्होंने डिस्कवर किया था किसको अमेरिका को ही डिस्कवर अमेरिका 1497 में वास्को में गामा पोर्चुगेज थे वो डिस्कवर किया था इंडिया ये हमें पता है ऑलरेडी आप ज़रूर इन चीज़ों को याद रखा कीजिए फोर्टीन नाइन्टी सेवन गामा ने पोर्चुगेज को डिस्कवर uh, किया था पोर्चुगीज के थे डिस्कवर किया था इन्होंने इंडिया को ओके okay? और इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाइबल्स कौन सी कौन सी कब कब आई थी ये मैं कल करवाऊंगी आपको अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला इस के जो राइटर थे इरेसमस इरेसमस कैथोलिक प्रिस्ट थे पुजारी थे टाइटल इनको मिला हुआ था गिवन टू हिम इज प्रिंस ऑफ ह्यूमिस्ट प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट ओके द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट इनके ये दो टाइटल थे बहुत बार ये टाइटल पूछ के पूछा जाता है कि किसको ये टाइटल मिले थे तो यू हैव टू रिमेंबर दिस द प्रिंस ऑफ ह्यूमिनिस्ट एंड द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमिनिस्ट दिस बो टाइटल्स आर गिवन टू इरेमस ओके इन दीरियड ऑफ एज ऑफ रिवाइवल ओके ही प्रिपेयर इम्पोर्टेंट न्यू न्यू लैटिन ऑफ टेस्टामेंट टेस्टामेंट क्या होती है ये जो बाइबल है उसकी जो कॉपीज निकली थी उनको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट ओके तो इन्होंने वो लिखी थी उन्होंने प्रिपेयर करी थी लैटिन में और ही वाज द पार्ट ऑफ इट ही न्यू दैट द कैथोलिक चर्च इज करप्टेड उस टाइम पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैथोलिक चर्च में बहुत करप्शन था एंड ही एनालाइज मार्टिन लूथर एंड ही एनालाइज ए मिडिल वे मार्टिन लूथर ने हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि मार्टिन लूथर ने लूथर ने शुरू किया था प्रोटेस्टनिज्म और उन्होंने उनको भी लगा एरे को कि हाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है कैथोलिक चर्च में ओके okay? तो इन्होंने सोचा कि एक मिडिल वे हम निकालते हैं कि एक कैसे सब कुछ ठीक हो सके ही चर्च का ही पार्ट बने रहे ठीक है? और रिफॉर्म करने की कोशिश करी चर्च को उनका वर्क था प्रेस ऑफ फॉली प्रेस ऑफ फॉली ये जो मैं नोट्स आपको दे रही हूँ ये बहुत ही, ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है तो आपको इसलिए मैं डिटेल साथ के साथ पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको ये चीजें याद रहे इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म वाली नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ओके तो आपको अगर फुल्ली डिटेल में मुझसे नोट चाहिए तो यू कैन कमेंट आई विल प्रोवाइड दैट ओके इनका वर्थ था प्रेज ऑफ फॉली प्रेस ऑफ फॉली एंड एस इन लैटिन वेन ही वॉज इन सर थॉमस मोरे हाउस इन दिटी ऑफ लंडन ये एक ऐसे लिखा था उन्होंने प्रेस ऑफ फॉली लैटिन में जब वो छुपे हुए थे सर सर थॉमस मोरे के घर पर लंडन में क्योंकि उन्होंने कैथोलिक चर्च के जो करप्शन था उसके अगेंस्ट लिखना शुरू किया था प्रेस ऑफि फॉली में तो उनके लिए ही, उनको मारने का ऑर्डर दे दिया गया था ऐसे एंड इन दिस लाइन ऐसे का एंड उन्होंने किया था

हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा इंसान को प्रायोरिटी देनी है ओके okay? तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं थॉमस मोरे, थॉमस मोरे, थॉमस मोरे डिड नॉट रिजेक्ट हेनरी एट मैरिज विथ कैथरीन ऑफ आर्गन उन्होंने बोला कि ठीक किया रिजेक्ट उन्होंने कैथरीन का जो वो मैरिज थी उनको रिजेक्ट नहीं किया रैदर ही कैथरीन को वो उन्होंने बोला कि गलत है क्वीन ऑफ को वो उन्होंने बोला कि नहीं दिस इज नॉट गुड इन द अदर वर्ड्स ही रिजेक्टेड एनोलमेंट ऑफ हेनरी एट मैरिज टू कैथरीन ऑफ आर्गन उन्होंने इसको अच्छा नहीं बताया था ही वॉज बी उनको मौत की सजा दी गई थी ही वॉज बी उन्होंने लाइन्स लिखी थी आई फील हैप्पी टू डाई एज गॉड्स गुड सर्वेंट मुझे बहुत ही खुशी होगी मरते हुए जब मैं अगर भगवान का एक बहुत ही अच्छा दास बनकर कर मरूँ तो ठीक है उन्होंने थॉमस मोरे ने लाइन लिखी थी मैनी टाइम्स दिस लाइन इज आज के नेट एग्जाम मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि मेरी जो नोट्स है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है जो मैंने स्टूडेंट के नोट्स लिए है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है टॉपर स्टूडेंट के नोट्स है तो जो एग्ज़ाम में हम 20 किताबें 50 किताबें नहीं पढ़ के जा सकते हमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए हमें करना होता है तो ये सारी जो मैं आपको प्रोवाइड जो वीडियोस में दिखा रही हूँ ये सारी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है ओके तो ये लाइंस आपको याद रखनी है थॉमस मोरे की आई फील हैप्पी टू डाई एज गॉड्स गुड सर्वेंट ठीक है इन्होंने वर्क लिखा था यूटोपिया 1560 में, ये जो था, यूटोपिया, दो में है. कल हम बात करेंगे थॉमस मोरे एज ऑफ के दो राइटर्स करे है अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लास्ट वीडियोस है उनसे रिलेटेड है हु एमोंग कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस

वनैकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो लोग वहाँ के उस टाइम पे जो लैंग्वेज बोल रहे थे उस लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट करी थी ठीक है द नेक्स्ट इज मोटे डी ऑथर वाज पब्लिश्ड इन मोटे डी ऑर्थर वाज पब्लिश्ड इन द आंसर इज फोर्टीन एटी फाइव फोर्टीन एटी फाइव नेक्स्ट इज ट्वेंटी सिक्स हु इज द ऑथर ऑफ मोटे डी ऑर्थर कौन इसके ऑथर है मेलोरी ये अभी मैंने कराया नहीं है मोरे का अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो सी मोरे यूटोपिया लिखी थी मेलोरी कल करेंगे हम द नेक्स्ट इज ड्रीम एलिगरी वाज़ ए पॉपुलर पोएटिक फॉर्म ड्यूरिंग द ड्रीम एलिगरी किस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी ये राइटिंग इस टाइप का राइटिंग वो थी मिडिवल पीरियड में मिडिवल पीरियड में द नेक्स्ट इज ट्वेंटी Among the Scottish Chaucerians, the Poet King was, the Poet King was James I. James I bhi poetry likhte the Scottish Chaucerian bola jata tha inko Who among the Chaucerians wrote a sequel to Troilus and Cressida? Chaucer ने लिखी थी Troilus and Cressida। उसका sequel किसने लिखा था? ये पूछ रहा है। Henryson। The sequel किसने लिखा था? Henryson। The next is thirtieth uh, is

कौन सा जो है, जो है बाकी सारे satire है इसमें, एक नहीं है गारे ऑफ और लॉरल गारे ऑफ लॉरल ओके तो आज हमने ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम सारा सिलेबस ए टू सेट सारा सिलेबस आपको कहीं और दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे पैसे लगा लगा के बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी वीडियोस वॉच करते रहिए और आपको अगर पीडीएफ चाहिए सारी नोट्स की तो मैं वो भी टॉपर्स की नोट्स की आपको वीडियो जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूँगी ओके तो आप मुझसे जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं यूँ ही अपना काम करती रहूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच